शुरुआत करते रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर कुशीनगर से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रसव कक्ष से मांस का टुकड़ा लेकर एक कुत्ता भागता नजर आया है और मांस का टुकड़ा लेकर भाग रहे कुत्ते का फोटो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। कुशीनगर जिला अस्पताल में कुछ दिन पहले ही एक घायल मरीज का खून चाट रहे कुत्ते का वीडियो जो है वो वायरल हुआ था, जिसके बाद से इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पूरा मामला दुधही सीएचसी का ये बताया जा रहा है। वहीं खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से है, जहां पर स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय सुसनेर में स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के जननायकों के योगदान विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने सहभागिता कर अपने विचारों को रखा। वही खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से है, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ तुलसी विवाह का आयोजन किया गया है। विधि विधान से और वैदिक मंत्रोच्चारण से तुलसी विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया गया है और उसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। इसके पूर्व बोडी में चल रहे समारोह को निकाला गया, जिसमें कांग्रेस वरिष्ठ नेता भैरू सिंह परिहार बापू भजनों के धुन पर जमकर थिरके भी। वही लखीमपुर खीरी के पसगवां कोतवाली क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। नहर खुदाई के ठेकेदार सरकार के राजस्व को लाखों का चूना लगा रहे हैं। बता दें कि ठेकेदार नहर खुदाई कर बालू का खनन कर रहे हैं, जिस पर जिम्मेदार पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही खबर प्रयागराज से, जहां पर फूलपुर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर जमकर हंगामा देखने को मिला। ग्रामीणों ने एसडीएम को घेरकर हल्का लेखपाल की शिकायत की, जिसके चलते गांव में आने जाने के रास्ते में, यहां तक कि प्राइमरी स्कूल के रास्ते में पानी भर दिया है। लोगों का गांव का जो रास्ता है वो कट गया है। ग्रामीणों ने मौके पर चलकर एसडीएम को दुर्दशा देखने के लिए नारेबाजी करते हुए कहे। बताना चाहिए कि दूसरी घटना में वकीलों ने वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी एडवोकेट से किसी बात को लेकर काफी देर तक कहासुनी भी होती रहे। खबर एटा से है, जहां पर एक परचून की दुकान में भीषण आग लग गई और उस दौरान दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। एफएसओ केतन कुमार फायर टीम के साथ तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। घटना एटा थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के आगरा रोड जुंगी के पास की है। वही मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित साधपुरा नुनफर टोला से गायब 4 साल की बच्ची का शव पुलिस ने बरामद किया है। बच्ची का शव थाना क्षेत्र के जकरिया कॉलोनी से मिला है और शव मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं लोगों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही काजी मोहम्मदपुर थानेदार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र में एक बच्ची जो की घर से निकल गई थी, जिसकी उम्र लगभग 4.5 साल है। इस मामले में वो बाद में मिसिंग हो गई, बाद में उसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने मिसिंग के दौरान ही FIR दर्ज कर दिया था और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन से सीसीटीवी जो देखे गए उसमें पता लगा कि वहाँ घर के पास से कुछ दूरी पे एक महिला जो कि बच्ची को लेके जा रही थी और उसके बाद में बच्चे की डेड बॉडी मिली है, उस लेडी को और अरेस्ट किया गया है और उसके बाद में आगे की पूछताछ जारी है। और अभी तक कितने मामले, इसमें कितने की गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो की सीसीटीवी में आया है, जिसके साथ में वो बच्ची थी, उत्तर के सीसीटीवी के आधार पर और उसके पहचान भी कर ली गई है और स्वीकार भी किया है कि बच्ची के साथ थी।
अगली खबर बिहार के बेतिया जिले से है, जहां पर पुलिस कप्तान के निर्देश पर चलाए जा रहे एस ड्राइव अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। मझौलिया थाना क्षेत्र के जोकटिया गांव से पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर दहेज उत्पीड़न मामले में फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। डोरी डेथ का एक केस था यहाँ का 565/22, उसमें एक नामजद अभियुक्त थे जोगी साह और जोगिंदर साह, पिता स्वर्गीय कपिलदेव साह जो जोकटिया के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वही खबर पश्चिम चंपारण बेतिया के बैरिया थाना क्षेत्र से है, जहां पर कोचिंग के छात्र आपस में भिड़ गए और इस भिड़ंत में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं एक पक्ष के चार लोगों पर चाकुओं से हमला कर दिया गया, जिसमें एक की स्थिति काफी चिंताजनक बनी है, जिसे आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। वही तीन लोगों को स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया है। छता था लो सुबह में थोड़ा झगड़ा हुआ, शाम को पढ़ने आया था तो सभी झगड़ा भी हुआ, मार गए टाइगर भी सामने पहचानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते हैं सर। मुफ्तीपुर का कहाँ पर झगड़ा हुआ है? पंगना बाजार मुफ्ती के पास, मजदूर के पास। कहाँ से पड़ गया है? सब पकना में रह रहे दादा अपने पंग में कुटी पे जगह वही खबर पश्चिम चंपारण बेतिया के मझौलिया से है, जहां पर हनुमान आराधना मंडल महाकालेश्वर झांकी सोनेलाल बाबा के द्वारा विधिवत भगवान श्री सीताराम एवं हनुमान जी की पूजा अर्चना कर हनुमान आराधना का पाठ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। और इस दौरान पंडित धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि धार्मिक कार्यों के आयोजन से वातावरण शुद्ध होता है। उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना संपन्न हो गई। भाजपा ने इस सीट को बरकरार रखा है। यह सीट भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के कारण खाली हो गई थी और इस सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा हिस्सा नहीं ले रही, इसलिए सपा उम्मीदवार और गोला के पूर्व विधायक विनय तिवारी और भाजपा के अमन गिरी के बीच यहाँ पर सीधा मुकाबला रहा। को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आप और उसके बाद सबसे पहले तो मैं भारतीय अपने गोला विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिता से बड़ी जीत आपकी, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारी जीत नहीं है, पिताजी की जीत है। उन्हीं का इलेक्शन था, उन्हीं का इलेक्शन है और हमेशा से ही उन्होंने जब भी इलेक्शन लड़ा है हमेशा चुनाव में वोटों में उनकी बढ़ोतरी हुई है और इस बार भी बढ़ोतरी हुई। उन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। हमने उनकी एक चीज अधूरी रह गई, काशी कारोबार वो पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी का हम लोग के साथ पूरा गोला विधानसभा के साथ पूरा सहयोग है, आगे बढ़ेगा, निरीक्षण होगा सब। आप युवा हैं और क्या देखते हैं? देखिए, युवाओं को नई नई अब करियर ऑप्शंस भी खुले हैं हमारे कॉरिडोर के बनने से, बनेगा, पूरा होगा। साथ ही साथ में हमारे जो गोला के स्टेडियम है उसका निर्माण से गोला के जो हमारे युवा हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हमेशा उत्साह बढ़ता आया है, उनके लिए नए नए ऑप्शन हमारे किसी भी क्षेत्र में हो सबका बहुत। शाहरुख के छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।